अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी सहूलत के लिए YouTube के ऊपर एक चैनल बनाया गया है और उसका नाम हमने रखा है हेम्स हफीज़ हरिपुर ऑनलाइन लेक्चर्स। इस नाम से YouTube के ऊपर चैनल रखा है और ये आज की जो असाइनमेंट्स है, ये असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को दे दी गई थी, लेकिन उसमें सॉल्व नहीं की गई थी, तो अभी ये जो है सॉल्व करके तो अपलोड की जा रही है। और ये जो असाइनमेंट थी, ये बिल्कुल फैकल्टी के जो पैटर्न था उसके मुताबिक जो है वो स्टूडेंट्स को दी गई थी और आप उसको हल करके लाएं। तो अभी ये सबसे पहले जो है वो आपके लिए जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज। अच्छा जी, ब्लड पंपिंग ट्रांसपोर्ट गैसेस कंटेन इमोशन नन ऑफ दीज। तो इसका जो द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज, तो इसका जो दिल का जो मेन फंक्शन है वो है पंपिंग। तो इसका करेक्ट आंसर पंपिंग आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है, द आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज, यानी कि जो हमारा दिल है उसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, उस लेयर का नाम क्या है? मेनिनजाइटिस है, प्लूरल है, पेरिकार्डियम है या पेरिटोनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है जी पेरिकार्डियम। द आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द पल्मोनरी आर्टरीज कंटेन डैश ब्लड। तो अब आपने बताना है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, नन ऑफ दीज होता है या ऑल ऑफ दीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें होता है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 है जी, राइट आट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल्व। अब आपने बताना है कि राइट आट्रियम जो है वो कौन से जो वाल्व हैं उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करती है। तो इसका ऑप्शन है ट्राइकस्पेड, बी में है बाइकस्पेड, स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है द राइट आर्ट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकस्पेड वाल। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड टू सप्लाई डैश टू बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी प्रोटीन्स, ऑप्शन डी एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हमारी जो मेन फंक्शन है ब्लड का, वो क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, द लार्जेस्ट आर्टरी इज, तो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी है? ऑप्शन ए में एओर्टा, बी में है कैरोटिड, सी में है वेना कैवा और डी है पल्मोनरी। तो इसका करेक्ट आंसर है एहोर्टा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, द वन कंप्लीट कार्डिक साइकिल टेक्स प्लेस, यानी कि जो हमारा दिल है वो एक पूरा कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में कितने सेकंड जो है वो टाइम लेता है? ऑप्शन ए में है 0.4, बी में है 0.7, सी में है 0.8 और डी में है 0.9। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.8 है, यानी कि हमारा जो दिल है वो अपना एक कंप्लीट कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में 0.8 सेकंड है वो टाइम लेता है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, द रेट ऑफ हार्ट बीट पर मिनट इज। तो पूछा गया है कि हार्ट बीट जो है वो एक मिनट में दिल जो है वो कितनी मतलब बीट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 72, बी है 71, सी 82, डी है 77। तो इसका करेक्ट आंसर, एक एवरेज जो दी गई है हार्ट बीट की, वो क्या है? 72 है। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा 72 बीट्स पर मिनट। अच्छा, उसके बाद दूसरा पोर्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है जी फिल इन द ब्लैंक्स का। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है जी फिल इन द ब्लैंक्स, वेन्स कंटेन डैश ब्लड। तो वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है जी? वेन्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सेकेंड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स, नॉर्मल बीपी इज डैश। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है? 120/80, यानी कि 120/80 हमारे पास एक एवरेज है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज डैश। तो जब हार्ट बीट कर रहा होता है तो उसमें दो डिफरेंट किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। तो उसमें पूछा गया है कि जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो कौन सी होगी? तो उसमें हमारे पास आता है द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब। लब की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है। ऐसे नोड्स प्रेजेंट इन द हार्ट लोकेटेड इन डैश। तो ऐसे नोड जो है वो हार्ट में कौन सी जगह पर लोकेट करता है, कौन सी जगह पर होता है? तो उसकी पोजीशन है राइट आट्रियम।
फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 5 है द डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग ब्लड प्रेशर कॉल्ड डैश। तो ऐसा कौन सा वो आला है, ऐसी कौन सी वो डिवाइस है जिसके ज़रिए जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो वो क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर के ज़रिए ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। 6 नंबर पर फिल इन द ब्लैंक्स इज द हार्ट डैश व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट जो है वो बीट्स कर रहा होता है जब एक पर्सन जो है कोई भी शख्स जो है वो अगर सो भी रहा है तो हमारा हार्ट क्या है वो बीट कर रहा होता है, धड़क रहा होता है। अच्छा जी, 7 नंबर पे हमारे पास द सेकंड हार्ट साउंड इज। तो सेकंड साउंड जो है जो अब हार्ट बीट कर रहा होता है तो उसमें सेकंड साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, तो वो साउंड होती है जी डब की आवाज़ हमें आ रही होती है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डैश एक्टिविटी ऑफ हार्ट। तो कहते हैं कि ईसीजी जो है वो किस चीज़ की रिकॉर्डिंग जो है वो करता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है। ईसीजी हमें रिकॉर्डिंग इसकी करके तो बता रहा होता है। ए वी नोड स्टैंड फॉर डैश। ए वी नोड जो है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड्स। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 10 है हमारे पास द स्मॉलेस्ट आर्टरीज कॉल्ड डैश। तो कहता है जो सबसे छोटी आर्टरीज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम आर्टरियोल्स। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास पोर्शन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताने हैं कि ट्रू फॉल्स इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। हाइपोटेंशन मीन्स स्लो ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंशन का मतलब होता है स्लो ब्लड प्रेशर। तो जैसा कि हाइपोटेंशन वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपोटेंशन का मतलब होता है स्लो ब्लड प्रेशर। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है ये स्टेटमेंट। सिस्टोलिक प्रेशर इज ग्रेटर देन डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन डायस्टोलिक, यानी कि डायस्टोलिक से ज़्यादा होता है। हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि ब्लड प्रेशर को जो अब हम मेजर करते हैं तो 120/80 होता है। तो 120 जो होता है वो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जो 80 होता है वो हमारे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो इस तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन डायस्टोलिक होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द कंट्रक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल। तो कहता है कि कंट्रक्शन, जब हार्ट की जो कंट्रक्शन होती है उसको हम डायस्टोलिक कहते हैं, तो ये भी ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो हेल्प इन इम्यून सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वे ये भी ये क्या है, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आर्टरीज कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नहीं जी, ये स्टेटमेंट गलत है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जितनी भी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज और क्यू फॉल्स ये जो बताए गए हैं, ये फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज के पीके जो है अभी जो वो एग्ज़ाम लेते हैं, ये उसके जो पैटर्न है उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी गई है और सॉल्व करवाई गई है। सब स्टूडेंट्स ने इसी के मुताबिक जो है वो अपने फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। थैंक यू। 6 नंबर पे हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये स्टेटमेंट आपने बतानी है कि गलत है या ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो 7वां हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाता है हार्ट इज़ एन आर्गन। ये बिल्कुल, तो हार्ट क्या हमारे पास एक आर्गन है, एक ऐसा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है जी। ट्राइकस्पिड वाल कंटेन टू फ्लैप मसल्स। नहीं जी, ट्राइकस्पिड वाल्स में हमारे पास दो फ्लैप मसल्स नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ह्यूमन कंटेन फोर आर्ट्रियम। नहीं जी, ह्यूमन कंटेन टू आर्ट्रियम, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है। ऐसे नोड्स एक्ट एज अ पेस मेकर। तो ये ऐसे नोड जो होते हैं ये एज अ पेस मेकर काम कर रहे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये आज की हमारी प्रेजेंटेशन एक थी, ये स्टूडेंट्स को हमने असाइनमेंट दी हुई थी तो उसको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो सब स्टूडेंट्स ने बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर, पब्लिक हेल्थ, तो वो इसी पैटर्न के मुताबिक जो है वो सॉल्व करनी है, ताकि आपके जो फाइनल टर्म जो मेडिकल फैकल्टी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आल्सो वॉचिंग।